गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर हुआ बवाल, आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूंसे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व सूबे में निकाय चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। नए प्रत्याशी के लिए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक गाजियाबाद पहुंचे, लेकिन वो थोड़े ही देर प्रोग्राम में रुके। उसके बाद स्थानीय सांसद जनरल वीके की बेटी मृणाली सिंह और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पार्षदों के नाम कटने से कार्यकर्ता नाराज हुए और स्थानीय विधायक सुनील शर्मा और अजीत पाल त्यागी पर आरोप लगाए। अपने ही लोगों को टिकट देने के आरोप के साथ ही पैसे के एवज में टिकट बांटने का आरोप लगाया। इसके बाद वहां लोगों में आक्रोश बढ़ गया। नाराज कार्यकर्ताओं में आपस में ही जमकर लात घूंसे चलने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ निकाय चुनाव में अपने मेयर प्रत्याशी के लिए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक गाजियाबाद पहुंचे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। जहां कार्यकर्ताओं के बीच में सिर्फ कहासुनी हो रही थी, ऐसे में एकाएक कहासुनी इस कदर बढ़ी कि दोनों तरफ से लात घूंसे चलने शुरू हो गए। कार्यकर्ताओं ने विधायकों और महानगर अध्यक्ष पर भी पैसे लेकर टिकट बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। किन किन के टिकट काटे हैं जो आपके होने थे? सब कार्यकर्ताओं के टिकट काट दे गए हैं, सबकी अपनी मर्जी के टिकट हुए। क्या पैसे का लेन देन भी हो रहा है? लेन देन सब चीजों का हो रहा है। कौन कर रहा है? सब कर रहा है। सब आपस में मिले भाई, मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए। इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद से बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह के समर्थक और विधायक सुनील शर्मा के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस बीच पार्षद के टिकट वितरण से असंतुष्ट दावेदार और उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। शुरुआत में हंगामा नोकझोंक हुई, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते हाथापाई और मारपीट में बदल गई। कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चले। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच विवाद बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया, तब कहीं जाकर विवाद शांत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी नेताओं ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं। नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे पर टिकट बंटवारे और पैसे लेन देन के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट देने के लिए पैसे का लेन देन हुआ है। आरोप लगाने के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से हाथापाई भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल।